ठाकुरद्वारा में सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए, जबकि कोतवाली प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर ग्राम बहापुर के निकट नहर की निर्माणाधीन नहर की पुलिया पर तड़के बाइक सवार पुलिस बदमाशों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाशों ने बाइक से उतरकर फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस बीच पैरों में गोली लगने पर दोनों बदमाश रोड किनारे गिरकर तड़पने लगे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जीवित अवस्था में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा में भर्ती कराया है। फायरिंग में चौकी इंचार्ज मुकेश राजोरा भी जख्मी हुए। घटना स्थल पर डिप्टी SP विशाल यादव, कोतवाल KP सिंह के साथ फायरिंग फोरेंसिक टीम भी मौजूद है। डिप्टी SP विशाल यादव ने बताया कि घायल बदमाशों के नाम सलीम और इमरान हैं, जो कि पिछले दिनों नाखून के सीमेंट व्यापारी से लूट व हत्या समेत कई बड़ी घटनाओं में शामिल हैं। ये थाना ठाकुरद्वारा में आज सुबह दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम पर फायर किए चेकिंग के दौरान, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है और एक सब इंस्पेक्टर भी इसमें घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों ने पूछताछ पे थाना क्षेत्र डिलारी में एक 5 लाख की लूट करना स्वीकार किया और बिजनौर में एक महिला की हत्या करना स्वीकार किया है। सर, बदमाशों क्या नाम है, कहाँ कहाँ के रहने वाले सर? ये एक बदमाश इसमें सलीम नाम है, जो कि धामपुर बिजनौर का रहने वाला है। दूसरा इमरान है, जो कि छजलैट थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए और सब इंस्पेक्टर को भेज दिया गया है। शेष कार्रवाई